मुझे लगता है ये सबसे यंग और सबसे एनर्जेटिक मुखिया जी हैं विपिन जी, तो इनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए, जो कि यूट्यूब का उपयोग करते हुए जिन्होंने जो है 6,47,000 लोगों तक पहली रह की संदेश को पहुंचाया। धन्यवाद सर। सबसे पहले उपस्थित यहाँ पर हमारे सभी आदरणीय मुखिया जी और चिकित्सा पदाधिकारी और जो भी स्वास्थ्य विभाग से हमारे जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं विपिन कुमार राय, सलाह पंचायत जो कि सहदेई प्रखंड में है, मैं उस सलाह पंचायत का मुखिया हूँ। सबसे पहले ये जो फलेरिया उन्मूलन चला था, जब हमारे पास स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, हमें जानकारी दिया गया, हम लोग नए मुखिया ही बने थे उस टाइम, तो ये जब जानकारी मुझे मिली, सबसे पहले मैं बता दूं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और आज भी 44 लाख छात्र हमसे पढ़ते हैं YouTube के माध्यम से। तो मैंने सोचा कि ये सिर्फ मैं अपने पंचायत में ये जागरूकता नहीं फैला, ये पूरे देश में ये जानकारी जानी चाहिए और जितने भी लोग हमें YouTube के माध्यम से देखते हैं। तो मैंने इसकी वीडियो बनाकर डिजिटल बोर्ड पे जाकर मैंने सारे PDF और PPT लगा के वहां पर इमेज, चूंकि आप देखते होंगे कि जब हम देखते हैं कि ये जो रोग है, हाथी पांव रोग, किसी का पैर इतना फूल जाना और हाइड्रोसेल इतना बड़ा हो जाना, तो इस तरह की जब इमेज देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत भयावह लगता है ये बीमारी। और इस बीमारी के प्रति लोग ज्यादा जागरूक इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहां सीधी सी बात है, लोग सोचते हैं कि अभी कुछ हुआ एकाएक तो उसका इलाज होगा, लेकिन जो चीजें धीरे धीरे आपको खत्म करेगी उसके बारे में हम जल्दी सोचते नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे कि लोग को अगर शराब पीना हो तो कर्जा लेके पी लेगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाना हो तो सोचेगा कि कोई बात नहीं, मास्टरवा के फीस अगले महीना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि सोचते हैं कि पढ़ाई एकाएक असर नहीं करता है ना, और दारू जो है एकाएक असर करता है। तो ये चीजें हमारे यहाँ है, हम लोगों के खून में ही है शुरू से ही, और इस चीज को बदलने के लिए मैंने सोचा कि ऐसे बोलेंगे तो कम लोगों को समझ में आएगा। सारी इमेज मैंने दिखाए और बताया कि भाई ऐसा ऐसा बीमारी होता है, ऐसा ऐसा हो जाता है, आज मच्छर काटेगा तो ये 10 साल बाद 15 साल बाद भी आपको फैलेरिया हो सकता है। और इसका बहुत सा असर पड़ा क्योंकि हमारी वीडियो, उस वीडियो को एक दिन में 6,47,000 लोगों ने देखा और कहा कि भाई हम सब अपने आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे। और इस तरह से, और एक बहुत बड़ी बात हुई कि मुखिया जी लोग को जो कहा गया कि भाई इसका जो उद्घाटन करना है सबसे पहले वही दवा खाएं, तो इससे लोगों में एक विश्वास गया, एक संदेश गया कि नहीं तो लोग ये सोचने लगते। हमारे गांव में मैं जब बच्चा था तो पोलियो ड्रॉप पिलाने आते थे लोग, तो कुछ लोग जो थे जो अनपढ़ थे, अशिक्षित हैं, वो अपने बच्चों को छुपा देते थे, कहते थे कि सरकार की ऐसी योजना है कि आगे बच्चा उच्चा पैदा न होगा, एकरा सके शादी ब्याह होगा तो उलली दवाई पीवा रहा है जैसे जनसंख्या न बढ़े। मैंने देखा है अपने समाज में, अपने टोला में इन चीजों को। तो ऐसी ऐसी चीजें थी। तो यहां जब मुखिया जी लोग पहले दवा खाए तो थोड़ा लोगों में विश्वास बना कि चलो मुखिया तो पहले खाया है ना, तो उसके पीछे पीछे चलेंगे वो ठीक है। तो ये अच्छा संदेश था कि पहले मुखिया जी से ही उद्घाटन करवाया गया और खिलाया गया, और इसी का परिणाम है कि आज 71% लोगों को आपने दवा खिलाने में सफल हुए। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।